दोस्तों, तो ये है 8 बजे की क्लिक। दोस्तों मैं मिल रही हूँ नाइट को, और क्या बताऊँ, हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो मुझे ना आज हमारे घर में, सही बात बताती हूँ, हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम तो होती ही थी। और क्यों होती थी दोस्तों, क्योंकि टंकी तो ऐसे दो है लेकिन पानी भरती ही नहीं थी, क्योंकि हमारे बोरिंग में पानी नहीं देती थी। तो आज शाम को मिस्त्री आई थी दोस्तों, मिस्त्री तो आई जब देखने के लिए, लेकिन पूरी बोरिंग ही ख़राब हो गई। पता नहीं है अंदर में क्या हो गया है, तो ख़राब हो गई है, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो पानी के लिए हम लोग सोचे मिस्त्री आई है तो कुछ तो उपाय होगा। तो लेकिन क्या करें, मिस्त्री लोग बोल दिए हैं कि अब दूसरी बोरिंग कराना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ पानी आएगी। तो दोस्तों इसी के चक्कर में ना अभी मेरे 8:30 बज चुके हैं। तो बस एक तो उलझन है दोस्तों, हमारे फैमिली मेम्बर में किसी की तबीयत ख़राब है, और थोड़ी बहुत बात हुई है तो थोड़ी बहुत रिलीफ मिली हुई है। तो सुन के अच्छा लगता है दोस्तों, कोई भी फैमिली मेम्बर कहीं दूर भी क्यों ना हो, लेकिन सब अच्छे रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। और एक ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, बोरिंग हमारी ख़राब हो चुकी है, अब इसका क्या होगा पता नहीं। बोरिंग करवाना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ, और तो खाना तो पड़ेगा ही। तो बस यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ और चने की दाल चढ़ा दी हूँ, तो बस यही बनेगा। और बच्चे लोग की थोड़ी सी उत्पतंग चल रही है, वो लोग भी सोच रहे हैं मम्मी पानी नहीं तो कैसे होगा। तो जो रखा हुआ पानी अभी रात भर चल जाएगी, सुबह के लिए तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी दोस्तों। खाना बनाने के अलावा और भी पानी की काफ़ी मतलब काम होती हैं, पानी की काफ़ी तरह से हमारी मतलब समझ सकते हो, पानी के बिना सब अधूरा है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। फिलहाल हमारे यहाँ ना अभी 9:30 बज चुके थे दोस्तों डिनर बनाने में, और यही टेंशन की वजह से, और बच्चों लोग की भी थोड़ी बहुत टेंशन थी, और आकृति का आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो उसकी भी थोड़ी बहुत आज प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि 1 चली गई है ना, तो उसकी थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ी सी काफ़ी हार्ड हो चुकी है। तो बस उसको भी थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ रहा था, और यही बच्चों के साथ बैठे थे हम, और इसीलिए खाना भी बनाने में लेट हो गया है, और फ़ोन में थोड़ी बातें हो रही थी। तो बस ऐसे ही इसी तरह दिन बीता दोस्तों, और यहाँ शाम को तो समझ सकते हो और कोई उपाय नहीं होने वाला है। तो बस जैसे तैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और चने की दाल चढ़ा दी हूँ दोस्तों। और इधर सेवैयाँ भी थोड़ा बनाना था बच्चों लोग के लिए, मीठा थोड़ा खाने का मन किया, तो कभी कभी ना डिनर में मीठा और रोटी दाल के बाद मीठा भी थोड़ा बहुत इन लोग को मन करता है। तो मैंने यहाँ पे सेवैयाँ बना दी हूँ, और मीठे में थोड़ी बहुत रात में ही बनती है दोस्तों, दिन सुबह में नहीं इन लोग को पसंद करते हैं। तो बस मैंने दूध ऐड कर दिया है, और मैंने लास्ट में चीनी ऐड करती हूँ, क्योंकि चीनी आगे डालने से ना थोड़ी सी दूध फटी फटी हो जाती है, इसलिए मैं चीनी बाद में ऐड करती हूँ। और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी ड्राई फ्रूट थे, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, बच्चों लोग को इतना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ी सी ही डाली है। तो दोस्तों ये सेवैयाँ रेडी हो चुकी है, और मैं यहाँ दाल में छोंक लगा लूँगी। तो बस आज है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार दोस्तों, तो प्याज लहसुन नहीं चलेगी, और आज है ना शायद पूर्णिमा भी है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैंने मिर्च और हरी मिर्च डाला है, और अदरक मैं थोड़ी सी घिस करके डाल दूँगी, और टमाटर दे दूँगी दोस्तों। तो ये चने की दाल टेस्टी लगती है, और मैंने तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। तो बस चने की दाल और रोटी और ये सेव आज डिनर में रहेगा दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फ़िलहाल 10 बज चुके थे, और मेरी डिनर बनी भी नहीं थी, क्योंकि टेंशन की वजह से बनती भी नहीं है, और बच्चों लोग भी समझते हैं दोस्तों, और पानी समझ सकते हो, नल में पानी ना आए ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब मन ना थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि रेगुलरली हमें नल की आदत हो चुकी होती है, आदत जो हो जाती है ना उसी पर हम लोग निर्भर हो जाते हैं। और
जैसे तैसे, तो जब जैसे गांव में रहते हो तो उस तरह नल की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग झेलने की और रेगुलरली रूटीन में आ जाती है दोस्तों, वो हम लोग झेल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग नल की हमेशा आदत हो गई है, तो नल के ही बार बार नल ही हम लोग खोल रहे हैं, नल पर भी बार बार जा रहे हैं दोस्तों। तो बस अपने आदतों से लाचार हो जाते हैं और दोस्तों समझ सकते हो। और यहाँ पे सारी चीज़ें पानी से ही होती हैं, और यहाँ पे तालाब कुआं ऐसा नहीं है कि तालाब कुआं चले जाएं तो पानी ले आएं, जो है नल और बोरिंग की ही से ही हमारा पानी की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दाल में छोक लगा लिया है, और दाल मेरी एक्चुअली रेडी हो चुकी है, तो सिंपल सा दाल है दोस्तों। और यहाँ पे बच्चों लोग को ना दाल रोटी काफ़ी पसंद है, तो ये लोग साथ दाल खाते हैं, तड़का, चने दाल, मसूर दाल, सारे दाल मेरे लोग को खाना पसंद है रोटी के साथ। तो बस यहाँ पे दाल मेरी रेडी हो चुकी है दोस्तों, और बस मैं यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दूँगी और बस सर्व कर दूँगी। और इनके पापा भी आ गए थे, तो टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे। सबको प्रॉब्लम लगी हुई है कि पानी का कैसा होगा, अभी तो चल पड़ा, लेकिन सुबह में क्या होगा, देखते हैं सुबह तक क्या होता है दोस्तों। और समझ सकते हो, हम हाउसवाइफ ऐसे नहीं हैं कि हम हाउसवाइफ भी निश्चिंत होकर घर में रहते हैं, हम हाउसवाइफों की ज़िंदगी में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं दोस्तों, बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिससे हमें सामना करना पड़ता है। तो बस आज है पानी की प्रॉब्लम हो चुकी है, आप देखती हूँ क्या होता है। तो बस यहाँ पे डिनर रेडी हो चुका है दोस्तों, और करती हूँ बच्चों लोग के लिए सर्व। और इनके पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, तो इनको वो बोल रहे थे कि इतना बर्तन मत निकालो, नहीं तो तुम्हें ही धोना पड़ेगा, पानी भी नहीं है कि कैसे धोगी। तो बस बच्चों लोग के भी ना थोड़ी बहुत नखड़े होते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अलग अलग चाहिए, तो मैं इसीलिए बोले कि छोड़ दो, जैसा होगा वैसे पानी का देखा जाएगा। तो मैंने अब सर्व कर दिया है, तो वही उनके पापा थोड़े सोच रहे थे कि कैसे धोएगी, पानी नहीं है, तो बस उसी में थोड़ी बहुत बातें हो रही थी। तो बस बच्चों लोगों के लिए मैं सर्व कर देती हूँ। दोस्तों यहाँ पे थाली रेडी हो गई है, और दोस्तों सच बताऊँ ना, तो कभी कभी मुझे ना तंग हो जाती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ शहर से अच्छा तो गांव ही है, गांव में तालाब कुएँ ये सब सारे चीज़ें की व्यवस्था है, लाइन रहे या ना रहे तालाब कुएँ तो मौजूद रहते हैं, लगता है कि ये ज़िंदगी गाँव की, शहर की ज़िंदगी से अच्छा गाँव की ज़िंदगी है दोस्तों। तो बस डिनर लग गया है और बच्चों लोग को लगा देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब सारा चीज़ यहीं है दोस्तों, शहर में ही। हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हो, आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आप सभी का पुष्पा लाइव बेल में स्वागत है दोस्तों, और डायरेक्ट मीट रही हूँ मैं आप सभी से सोने के टाइम। तो दोस्तों मेरी हालत तो जो है मैं आप सभी से शेयर की हूँ, और पता नहीं आज तो भारी प्रॉब्लम है दोस्तों, कल क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं मालूम मुझे। तो दोस्तों देखती हूँ क्या हो रहा है, खाना पीना जैसे तैसे तो हो गया, बर्तनों को मैंने यहाँ पे जमा करके रखा है, किचन की हालत ख़राब है, मजबूरी में मुझे आज ऐसे ही जूठे बर्तन में सोना पड़ेगा दोस्तों, क्या करूँ, कोई उपाय नहीं है। पानी जितनी थी स्टॉक वो मैंने काम कर दिया, और पानी ख़त्म हो चुकी है, और हमारी घर की मोटर भी ख़राब हो गई है, तो पता नहीं क्या ख़राब हो गया। तो दोस्तों वो बोला मोटर नहीं, मोटर बचा है बोरिंग में, बोरिंग ही शायद मिट्टी भर गई है, शायद पानी नहीं दे रही है दोस्तों। तो पता नहीं क्या होगा, कल सुबह देखती हूँ और आप लोग को भी मैं बताऊँगी कल क्या होने वाली है। तो जैसे तैसे अभी चल रही है, कल सुबह यदि पानी नहीं रहेगी तो हालत हो जाएगी ख़राब। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहिए, कल मिलती हूँ आप सभी से, प्रॉब्लम सॉल्व होती है या प्रॉब्लम बनी रहती है तो बस कल पता चलेगा दोस्तों।